इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग एक ऐसी समस्या है जो कि खास तौर से बुजुर्गों को या आजकल के तनाव के कारण युवाओं में भी पाई जा रही है। मरीज चलते चलते गिर जाता है, पीछे गिर जाता है, आगे गिर जाता है, जब साइड टर्न होता है तो गिर जाता है। आज हम बताएंगे आपको इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज बात होगी एक विषय की, जो विषय में कभी ना कभी हर किसी को दिक्कत होती है, और वह है चलते चलते अपने बैलेंस को खो देना, गिर जाना या एक ठहराव आ जाना। आज हम साथियों आपको बताएंगे बैलेंस जो लूज करते हैं लोग मरीज, उसको मैनेज करने की कुछ संभावित दवाएं। विषय साथियों गंभीर है, उम्र एक कारण हो सकता है, तमाम कारण होते हैं, एल्डरली में अक्सर उनको चक्कर आ जाता है, वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, तमाम बीमारियां होती हैं। तो एक बड़ा ब्रॉड विषय का ये वीडियो है जो आपकी जानकारी के लिए है। इसको आप किसी दवा को लेके इस वीडियो से राय भी मत बनाइएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन कुछ दवाएँ जो ये लूजिंग बैलेंस चलने के दौरान होता है, इस समस्या को कंसीडर करने के लिए कुछ दवाएं मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों आपको बताते हैं बैलेंस लूज करने के, मैनेज और कंट्रोल करने की होम्योपैथी में कुछ संभावित दवाओं की जानकारी। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में आती है कि अगर मरीज चलते चलते लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, उसको पैरों में बहुत वीकनेस महसूस होती है, तो उस स्थिति को कंट्रोल और मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा आती है एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। इस दवा से मरीज को लाभ होता है, मरीज ठीक होता है और उनका वटाइगो ख़त्म होता है। एक स्थिति साथियों आती है इम्बैलेंस की चलने के दौरान कि पैरों में बहुत भारीपन लग रहा है और मरीज लड़खड़ा के गिर गया, तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। इस दवा से मरीज को लाभ होता है। एल्यूमिना का मरीज कॉन्स्टिपेटेड होता है, उनको स्किन की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, उनको स्किन में इचिंग महसूस होती है, ड्राइनेस होती है, स्टूल उनका पहले हार्ड होता है फिर बाद सॉफ्ट होता है, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स हो और स्टूल पॉट को स्टिक करता है या सिम्टम्स हो, तो ऐसे सिम्टम्स की वॉकिंग इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग के केस में एल्यूमिना एक संभावित दवा हो सकती है। एक स्थिति आती है कि पैरों में बहुत कमजोरी लगती है, टाइर्डनेस लगती है और पूरे शरीर में घुन्नी बनी रहती है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, प्यास ना लगने के साथ यानी थर्स्टलेसनेस के साथ होती है। अगर ऐसा सिम्टम हो और मरीज गिरा गिरा जाता हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है जलसीमियम सेमी परवायरेंस। जलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, इस दवा से ऐसे मरीजों को लाभ मिलेगी। एक स्थिति आती है मरीज का एक सेंसेशन होता है कि वो वॉक कर रहा है और वो गिर जाएगा, उसकी वॉकिंग बहुत अनकंट्रोल्ड होती है, पैर जहाँ वहाँ रखता है वहाँ पैर पड़ता नहीं, पैर दूसरी जगह पड़ता है, खासतौर से पार्किंसंस के केस में ऐसा होता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग की बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम।
आर्जेंटम नाइटिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। इस दवा से ऐसे केस में मरीज को आराम मिलेगा। एक स्थिति आती साथियों, मरीज चल रहा है और जब वो साइड टर्न करता है तो गिर जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो, लोअर एक्सट्रीमिटी बहुत वीक होती हैं, तो अगर साइड टर्न करने में मरीज गिर जाता हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इस दवा से मरीज का जो टर्निंग साइड वेज में गिरने का एक पॉसिबिलिटी है, वह पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब मरीज चलते हैं तो उनके लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक स्टिफनेस आ जाती है और स्टिफनेस आने से, कसाव आने से मसल्स में मरीज लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो अगर इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग हो और लोअर एक्सट्रीमिटीज में मसल्स में, काफ मसल्स में स्टिफनेस आ गई हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लेथाइरस सेटाइवस। लेथाइरस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग हो और वह पीछे की तरफ गिरते हों। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को इम्बैलेंस हो और मरीज बैकवर्ड्स फॉल करते हों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जो बैकवर्ड फॉल करते हैं। एक स्थिति साथियों आती है जब पैरों में ट्रेमलिंग होती हो, इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग हो, पैरों में ट्रेमलिंग होती हो और मरीज की आवाज़ में भी खड़खड़ाहट होती हो, तो यदि यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर भी ली जा सकती हैं। इस स्थिति में यह दवा लाभ देगी। ये साथियों को दवाएँ थी इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग की। एक ऐसी समस्या है जिसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी कारण हो सकता है। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपका बात का जवाब दे सकें। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा कमेंट पोर्शन में लिख के हमको बताइएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो ठीक ठाक लगा हो, अच्छा लगा हो, बुजुर्गों की मदद करने वाला लगा हो, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला लगा हो, एक अच्छी जानकारी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।